दूसरी चीज नबी करीम सल्लम का एहतराम हो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम। आप जब भी जाएंगे ना मदीना मुनव्वरा इंशाअल्लाह, आज भी इस वक्त भी नबी करीम सल्लम की जो कब्र है जिस कमरे के अंदर अम्मा आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा का कमरा था, उस कमरे के बाहर कौन सी आयत लिखी हुई है मालूम? नबी की जो कब्र है, आज आज की बात कर रहा हूं मैं, जिस कमरे में अल्लाह के रसूल की कब्र है उस कमरे के बाहर कुरान की कौन सी आयत है? सुभान अल्लाह, कभी जाएं तो देखना, गौर करना। सुभान अल्लाह, इनल्लज़ीना यगुद्दूना सुवातहुम इंद रसूलिल्लाह, बेशक जो लोग नबी के सामने अपनी आवाज को नीचे रखते हैं, आवाज बुलंद से नबी के सामने ऊंची आवाज से बात नहीं करते, इनल्लज़ीना यगुद्दूना सुवातहुम इंद रसूलिल्लाह उलाइक अल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक्वा, अल्लाह ने इनका इम्तिहान ले लिया है तकवे के लिए। नबी का एहतराम हो। मैं हदीस नोट करके लाया, वक्त मुझे इजाजत नहीं दे रहा है। सुभान अल्लाह, इसमें हदीस ये है, उरवा बिन मसऊद अस-सक़फ़ी एक आदमी का नाम है, बुखारी की हदीस है, सही बुखारी की हदीस है ये, सुलह हुदैबिया का मौका है, सुनो गौर से। सहाबा एहतराम करते थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कैसा एहतराम करते थे, ये बुखारी की हदीस है जिसे इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने बाबुश शुरूति फिल जिहाद, इस बाब के अंदर इमाम बुखारी ने इस हदीस को पेश किया है। उरवा बिन मसऊद अस-सक़फ़ी आया, जरा गौर से सुन लो, हमारा दीन एहतराम वाला है नौजवानों, हमारा दीन एहतराम वाला है, हम बेअदब नहीं हैं, बड़ों का एहतराम हमारे दीन में है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम हमारे दीन के अंदर मौजूद है। बुखारी की हदीस सुन लो गौर से, उरवा बिन मसूद आए थे बातचीत के लिए, तब मुसलमान नहीं थे वो, कुरैश ने नुमाइंदा बनाकर भेजा था हमारी तरफ से, जाओ बात करके आओ। अब सुनो उरवा बिन मसूद क्या कहते हैं, ऐ कौम, वापस जाने के बाद नबी के बारे में और सहाबा के बारे में उरवा बिन मसूद का जुमला है, ऐ मेरी कौम, वल्लाह, अल्लाह की कसम, वफ़त्तु अलल मुलूक, बहुत सारे बादशाहों के पास मैं गया हूँ, वफ़त्तु अला कैसर व किसरा व नजाशी, कैसर व किसरा के दरबार में मैं गया हूँ, नजाशी बादशाह को मैंने देखा है, उसका एक जुमला कितना प्यारा है, वल्लाह इन रईतु मलिकन कत्तु युअज़्ज़िमु अस्हाबहु मा युअज़्ज़िमु अस्हाबु मुहम्मदिन मुहम्मदा। अल्लाह ये जुमला समझ में आ जाए हमारे, सुभान अल्लाह, मैंने कभी किसी बादशाह को नहीं देखा, उस बादशाह के लोग उस बादशाह की उतनी इज्जत करते हों जितनी इज्जत असहाबे मोहम्मद मोहम्मद की करते हैं। नहीं समझ में आएगी बात, मैं हदीस का टुकड़ा लाया हूं, पूरी हदीस नहीं लाया, एड्रेस तुम्हें दे रहा हूं, जाके तुम ढूंढो हदीस को, बुखारी में हदीस है बाबू अशुरूति फिल जिहाद, इस बाब के अंदर यह हदीस मौजूद है, अल्लाह के रसूल का एहतराम यह दूसरा हक है।